नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में मौसम को लेकर। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम की जो स्थिति थी उसके बाद ये लग रहा था कि प्रदेश में जो है गर्मी और उमस से लोगों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मौसम विभाग ने एक अपडेट जारी किया। साथ ही साथ प्रदेश में जो है अब कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर बारिश की स्थिति है और कई जिलों में जो है बारिश की संभावना बनती दिख रही है, कई जिलों में बारिश हो भी रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने एक बड़ा अपडेट साझा किया जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना है। अगर हम मौसम विभाग के तरफ से अगर हम देखें उसको, तो उसके तरफ से जो जारी अपडेट है उसके अनुसार जो है प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पे बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। वहीं अगर हम देखें तो गया, नवादा, दरभंगा, मधुबनी, इन इलाकों में जो है अगले 2 से 3 घंटे में मेघ गर्जन और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में जो है बाज का स्थिति है, यानी कि इन इलाकों में जो है मौसम विभाग अभी देख रहा है कि किस तरह की और स्थितियों में बदलाव हो सकता है, लेकिन इन इलाकों में जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ लोगों को चेतावनी भी जारी की गई जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि अगर मौसम खराब होती है यानी कि बारिश की स्थिति बनती है तो ऐसे स्थिति में आपको सतर्क रहना है, सावधान रहने की जरूरत है, खुले में ना घूमें और किसी पक्के मकान में जो है जल्द से जल्द आप शरण लें। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ऊँचे पेड़ और बिजली के खंभों के बीच में जो है आप ना रुकें, क्योंकि इन जगहों पर जो है वज्रपात होने की संभावना है। पिछले अगर हम रिकॉर्डों को देख लें तो उसमें जो है मौसम विभाग ने लगातार जो है इस तरह के अपडेट साझा करते रहे हैं जिससे कि आप लोगों को परेशानी का सामना कम करना पड़े। वहीं अगर हम और जिलों की बात कर ले तो इसमें जो है और जिलों के तहत जो है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बक्सर, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, खगड़िया, इन जिलों में जो है एक बार फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। एक बार हम फिर से देख लें इसको, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बक्सर, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, खगड़िया में जो है अगले 2 से 3 घंटों में बारिश वज्रपात की संभावना जो जताई गई है। इन इलाकों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, साथ ही साथ लोगों को फिर से वही सतर्कता को लेकर अपडेट जारी किया गया जिसमें कि खुले में ना रहने की बात कही गई, पक्के मकान में उन्हें जाने की बात कही गई और ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से जो है उन्हें दूर रहने की बात कही गई। तब तक हमने 2 स्लाइड देखा जिसमें कि एक में येलो अलर्ट, दूसरे में जो है ऑरेंज अलर्ट का जो है अपडेट साझा किया गया है। उसके बाद जो है मौसम विभाग ने एक बार फिर से जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पश्चिम चंपारण, वैशाली, शेखपुरा, बेगूसराय में जो है अगले 2 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है जो अपडेट है उसमें कि सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी पक्के मकान में जो है आपको शरण लेने की जरूरत है। वहीं अगर हम अगला अपडेट देखें तो इसमें फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और इसमें जो है साफ तौर पे कहा गया है कि गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना में इस समय जो है बारिश की स्थिति है, आसमान में बादल छाए हैं और तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। तो ऐसे में पटना जिले में बारिश की पूरी संभावना पहले से जताई गई थी, एक बार फिर से जो है देख लें तो यहाँ पे पटना में बारिश होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ गोपालगंज, सिवान, सारण में जो है बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर हम अगले स्लाइड में देखें तो इसमें पूरे प्रदेश में जो है आज कैसा मौसम का माहौल रहेगा और कैसे कैसे जो स्थिति यहाँ बदल सकती है, तो इन इलाकों में देखें तो मौसम विभाग ने शुरुआती समय में कहा कि इन इलाकों में बारिश की स्थिति नहीं है, लेकिन ये जो वो पूरे इलाके हैं जिसमें कि बारिश की स्थिति बनती हुई दिख रही है जिसमें कि रेड येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो देखिए अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, इधर मुंगेर, जमुई, बांका और गया, इन इलाकों में जो है बारिश होने की पूरी प्रबल संभावना जताई गई थी मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन अब जो है मौसम विभाग ने जो त्वरित अपडेट जारी किया उसमें कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना जिसमें कि गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना में अगले 2 से 3 घंटों में बारिश की संभावना जताई गई। उसके बाद पश्चिम चंपारण, वैशाली, शेखपुरा, बेगूसराय जिलों में अगले 2 से 3 घंटों में बारिश की संभावना जताई गई। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा अपडेट आया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बक्सर, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, खगड़िया, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 20 ऐसे जिले हैं प्रदेश में जहां के अगले 2 से 3 घंटों में बारिश होने की संभावना है। किसानों के लिए एक राहत होगा, लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा कि अगले कुछ दिनों तक अगर इसी तरह की बारिश होती रही तब जो है किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि धान की फसल को लेकर जो है बारिश का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।